इलाहाबाद के प्रयागराज में इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कहे जाने वाले कुंभ मेले की धूम है। 15 जनवरी को शाही स्नान के साथ ही इसका प्रारंभ हो चुका है। 49 दिनों तक चलने वाले इस मेले का समापन 4 मार्च को होगा और इस बीच 8 मुख्य पर्वों पर शाही स्नान होगा। कुंभ में लोगों के ठहरने और आने जाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। माना जा रहा है कि 49 दिनों तक चलने वाले इस बार के कुंभ मेले में करीब 12 करोड़ लोग आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ 2019 को अब तक का सबसे भव्य कुंभ बता रही है और सरकार ने इसकी खूब ब्रांडिंग भी की है। माना जाता है कि प्रयागराज में जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है, वही ब्रह्मांड का उद्गम हुआ था और वहीं पर पृथ्वी का केंद्र भी है। मान्यता ये भी है कि सृष्टि निर्माण से पहले ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ किया था। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा तंबुओं का अस्थायी शहर बस जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुंभ के आयोजन पर इस साल 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। गोरखपुर से स्नान किया जी जी। कैसा कुंभ में पहले भी आए या ये पहली बार? नहीं नहीं, कई बार आ चुके हैं। क्या क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? समय तो यहाँ पे सब कुछ दिव्य कुंभ भव्य कुंभ जो कहा गया है एकदम उसी के अनुरूप दिखाई दे रहा है। अच्छा ही योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया। सलोरी एकदम चमक गई है। इस समय कैलाशपुरी गोविंदपुर मार्ग सलोरी है, बहुत बढ़िया सेक्टर नंबर, मेला व्यवस्था, अधिकारी पदाधिकारी लोग सब बहुत बढ़िया। इस बार कुंभ मेले में अपना पूर्वोत्तर शीर्षक उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की संस्कृति प्रदर्शित हो रही है। इस उत्सव में पूर्वोत्तर की लोक संस्कृति, कला, परंपरा, गीत, नृत्य, खान पान सभी का प्रदर्शन हो रहा है। पूर्वोत्तर की संस्कृति को विश्व के सामने पेश करने के मकसद से कुंभ मेले में इस उत्सव का आयोजन हो रहा है। मेले में पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम की झलक साफ देखी जा रही है। मेले में आने वाले भक्त अपना पूर्वोत्तर क्षेत्र में सजावट देख फूले नहीं समा रहे। 8000 লোকে ইয়াত মানে ভক্তগণ আৰু দৰ্শকবৃন্দ হৈছে। ইয়াতকৈ আচৰিত কথা, যেতিয়া আমি 1 কিলোমিটাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণ পূৰ্বোত্তৰৰ সাজপাছ পিন্ধাই শিল্পীসকলক যেতিয়া প্ৰচেষ্টন কৰোঁ, কেউ খালে ফালে 8-10 হাজাৰ মানুহৰ মানে সমৰ্থন পাওঁ। চেলফি মৰা, চবে সমৰ্থন, হাত তালি মৰা, ইমান সুন্দৰ। আমি লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ল কি, পূৰ্বোত্তৰক বিশ্ব দৰবাৰত স্থাপন কৰা। মই জব চে ইয়াৰ পৰা আহি হৈ জেছে লিখা হে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত, तो सचमुच में यहाँ पर आके यही फीलिंग हो रही है कि भाषाएं अनेक हैं लेकिन हमारा भारत एक ही है। हमें यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हमने ऐसा कुंभ मैंने पहले हरिद्वार में भी अटेंड कर रखा है, वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं थी, मगर इस बार योगी जी ने इतनी सुविधा है कि कूड़ा तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। आपको बता दें कि भारत में कुल 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत आदिकाल में समुद्र मंथन से हुई। इनके मुताबिक मंथन में निकले अमृत से भरे कलश के लिए जब देवों और असुरों के बीच छीना झपटी हुई तो उसकी कुछ बूंदें हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक पर ही झलकी। इसलिए इन 4 स्थानों पर उसी घड़ी में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग से सिद्धार्थ भट्टाचार्य के साथ नॉर्थ इज लाइव।